खाना और पीना हमारी बॉडी के लिए अमृत का काम करता है, लेकिन कभी कभी यही अमृत जहर बन जाता है। इस वीडियो में एंड तक देखिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे खाना जहर बन जाता है। वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से आप कोई भी चीज कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। यदि आप इनमें से किसी भी खाने का इस्तेमाल करते हैं तो कॉशस रहे और उसे सही करें। 99% ऑफ द इम्पोर्टेड फूड कभी भी इंस्पेक्ट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, पीनट बटर में बग फ्रेगमेंट से लेकर रोडेंट हेयर तक पाए जाते हैं। रिसर्च से पता चला है कि 5 में से 1 ऑफिस की कॉफी मग्स में फीकल बैक्टीरियल इकोले का इन्फेक्शन पाया जाता है, जिससे डायरिया और फूड पॉइजनिंग होती है। अगर कॉफी नहीं मिली तो काम नहीं करूंगा, पता लग गया। बहुत सारे लो फैट और नो फैट योगर्ट्स और स्वेट्स में एनिमल्स के टेंडन्स, बोन्स और लिगामेंट्स डाले जाते हैं। ग्रेप्स को हार्वेस्ट किया जाता है बाय हैंड, तो हैंड पिकर्स के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो एक एक करके चूज करें। लिहाजा कि ग्रेप्स के साथ इंसेक्ट्स भी कलेक्ट किए जाते हैं इन पिकर्स बास्केट। मोल्ड्स आर टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास थ्रेड लाइक रूट्स होते हैं जो कि फूड के अंदर घुसा देते हैं, और मोस्टली मोल्ड्स को कंज्यूम करना अनसेफ। फूड को रीहीट करना अनसेफ होता है। 40 डिग्री से 140 डिग्री फारेनहाइट तक बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रीहीट किया हुआ फूड अनसेफ होता है। कुछ फिश के अंदर एक पैरासाइटिक राउंड वर्म होता है जिसका नाम है एनिसाकिस के कंज्यूम करने से बॉडी के अंदर एनिसाकियासिस नामक एक डिजीज हो जाती है, जिसके लक्षण होते हैं एब्डोमिनल में काफी ज्यादा पेन होना, मैदे में दर्द होना, उल्टी और उल्टी का मन करना, और इस तरह से जो है ब्लोटिंग वगैरह और पेट का फूलना, इस तरह के सिम्टम्स जो है वो पाए जाते हैं। कॉर्निक हाई कार्बोहाइड्रेटेड एंड हाई ग्लाइसेमिक फूड है जिसे कैटल कंज्यूम कर लेती है, जिससे कैटल का वजन जो है वो काफी ज्यादा और काफी जल्दी बढ़ जाता है। अगर ह्यूमंस इसे इसी तरह कंज्यूम करें एक्सेस में, तो इनके अंदर भी इनका वेट भी इसी तरह बढ़ जाता है। दुनिया में लाखों लोगों में पीनट बटर की एलर्जी पाई जाती है, और कभी कभी ये एलर्जी लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाती है। एप्पल्स, पीचेस और स्ट्रॉबेरीज को अगर ड्राई भी किया जाए तो इनमें करीबन 90% ऑफ द सैंपल्स में पेस्टिसाइड पाया जाता है, प्लस रेड नंबर 2 जिससे संतरों को चमकाया जाता है। डाई जो है फ्रूट्स के लिए बैन कर दिया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक इफेक्ट पाया जाता है। हाईली प्रोसेस्ड मीट से बने हुए फूड्स जैसे कि सॉसेजेस एंड हॉट डॉग्स अदर मीट प्रोडक्ट्स आर वेरी डेंजरस बिकॉज दे कॉज पैनक्रियाटिक कैंसर। मशरूम्स आपको मार सकते हैं। 2 ऐसी खतरनाक स्पीसीज है मशरूम्स की जिनका थोड़ा सा बिट भी लोगे तो मौत निश्चित। डेथ कैप एंड डिस्ट्रॉइंग एंजल मशरूम से मशरूम पॉइजन होती है और लेटर ऑन डेथ। ब्लो फिश जो कि जापान और हांगकांग में पाई जाती है, जिसका पॉइजन टेट्राडोटॉक्सिन 500 टाइम्स मोर पावरफुल है देन साइनाइड। इसने बहुत सारे डिनर करने वालों को मौत की नींद सुलाया है। शेल फिशेस आर फिल्टर फीडर्स, इनके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन जमा हो जाता है, लिहाजा इन्हें हाई क्वांटिटी पर कंज्यूम करने पर डेंजरस फील होता है। समोसे में तो आलू होता है, लेकिन आलू के अंदर क्या है? पोटैटो कंटेन ग्लाइको एल्कलॉइड्स। ग्लाइको एल्कलॉइड्स को हाई लेवल पर कंज्यूम करने से डायरिया हो जाता है, और कभी कभी ये सीवियर फॉर्म में डेथ भी कॉज कर सकता है। आपके और मेरे फेवरेट चॉकलेट में एक अल्कोलाइड होता है जिसका नाम है थियोब्रोमीन। यूजुअली हाई क्वांटिटी पर थियोब्रोमीन इज अनसेफ फॉर ह्यूमन बॉडी, यानी हाई क्वांटिटी पर ये टॉक्सिक होता है, लेकिन लोअर क्वांटिटी पर ये टॉक्सिक क्रिएट कर सकता है और किल कर सकता है डॉग्स, पैरट्स, हॉर्सेस एंड योर किटी कैट। यूजुअली किट कैट कैन नॉट बी गिवन टू किटी कैट। आर्सेनिक हैज बीन यूज्ड एज एन एडिटिव इन पोल्ट्री फार्म्स। आर्सेनिक जो है बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक होता है, इट कॉजेस बर्थ डिफेक्ट और समटाइम्स डेथ। कच्चे पोल्ट्री मीट के ऊपर कैंपाइलोबैक्टर का इंपैक्ट रहता है। अगर इसे अंडर कुकड या रॉ कंज्यूम किया जाए तो इसे फीवर, डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं। दोस्तों, आप फूड हमेशा साफ सुथरा और सही जगह से लें। स्टे हेल्दी, हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।